ना हमें आलू को उबालना है ना ही कोई तामझाम है। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू की बहुत ही मजेदार सी टिक्की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता। मेरे चैनल दीक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 3 कच्चे आलू। आलू को मैंने अच्छे से धो करके छील करके साफ करके लिया है। अब आप इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें जिसमें हम आलू को ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट हम पानी में करेंगे, नहीं तो आलू जो हैं वो ग्रेट करने के बाद काले पड़ जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठंडे पानी में ही आलू को ग्रेट कर लेना है। और आलू को हम लंबे लंबे लच्छे में ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, जो मोटे वाला पार्ट है उससे मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें सारे आलू ग्रेट कर लेने हैं। और ये देखिए, मैंने सारे आलू इसी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने पानी में आलू को ग्रेट किया है। अब हम क्या करेंगे, या तो कोई साफ़ सा कपड़ा ले लें, उससे आलू का पानी निकाल देंगे अच्छे से निचोड़कर, या फिर इस तरह से कोई छलनी ले लें और उसमें सारे आलू डालकर अच्छे से इनका पानी निकाल देंगे। पानी में जो थोड़े बहुत आलू बच गए हैं उनको भी हम एक साथ इस छलनी में डाल लेंगे। सारे आलू छलनी में डालने के बाद इस तरह से हाथों से दबाकर आलू का पानी निकाल देंगे। आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और अब हम इनको किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अब हम इनमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा। आप मसाले अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कोई भी आपको जो भी मसाले अच्छे लगें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम कम मसालों में ही ये टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर इनको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका एक डोसा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी सरसों का या फिर रिफाइंड तेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा डो है वो सेट हो गया है। तो इसमें से थोड़ा सा डो उठाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसे दोनों हाथों से हम टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए टिक्की बन गई है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो हम टिक्की तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी बना लेंगे। ये जो मैं टिक्की बना रही हूँ ये मैं चावल के आटे और कच्चे आलू से बना रही हूँ। आप चावल के आटे की जगह अरारोट या कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी बन गई है, तो इसे भी हम ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना रखें, नहीं तो डालते ही टिक्की जल जाएंगी। थोड़ी देर तक हम इनको ऐसे ही सिकने देंगे टिक्कियों को। थोड़ी देर के बाद इनको इस तरह से पलट देंगे जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। टिक्की को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, तभी ये अंदर तक अच्छे से सिकेंगी। ये जो हम टिक्की बना रहे हैं ये आपका जब भी मन करे झटपट से कुछ चटपटा सा खाने का तो ये टिक्की बना सकते हैं। ना इसमें आलू उबालने का झंझट है ना ही कुछ और, बस फटाफट से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये देखिए हमारी जो टिक्की है अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे किसी प्लेट में और सारी टिक्की हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। आप इन्हें चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरे धनिए की चटनी, मीठी चटनी, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपके अपने चैनल दीक्षा की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के।